नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है हमारी एक और फुल्ली एंटरटेनिंग वीडियो में, कि जिसमें हम देखेंगे इंटरनेट के कोनों कोनों से ढूंढी हुई कुछ फनी से फनी वीडियो क्लिप्स, जो ना केवल आपको हंसाएगी बल्कि जिंदगी की भागदौड़ों से आपके माइंड को कुछ मिनटों के लिए रिफ्रेश कर देगी। इसीलिए चलिए माइंड को रिफ्रेश करने का सिलसिला शुरू करते हैं इस वीडियो की फर्स्ट क्लिप के साथ। दोस्तों, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर ना पता हो तो उस सिचुएशन में ये ना कह के कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, आप इन जनाब ने जो कहा वो कह सकते हैं। ये कोरोना कहाँ से आया? चाइना से। क्यों आया है? मैं नहीं बताऊंगा। टाटा IPL के लगातार 3 मैच हारने के बाद मुंबई इंडियंस के कई फैन बहुत ही ज्यादा दुखी थे, वही कुछ का तो ये हाल हो रखा था। दोस्तों, हमें कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपकी फेवरेट IPL टीम कौन सी है, और ये भी कि क्या MI अपने फैंस का ये दुख आगे जाकर दूर कर पाएगी। अपने एग्जाम में टॉप करने वाले इस टॉपर से जब रिपोर्टर ने उसकी सफलता में सबसे मेन सपोर्टर कौन था वो पूछा, तो वो बोला उसके पिताजी, कि जिन्होंने उसे टॉप करवाने के लिए दिन रात एक कर दिए थे, और तो और अपनी एक टांग भी तोड़वा दी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चे को टॉप करवाने में भला टांग कैसे टूट सकती है। इस सवाल का आंसर तब मिला जब रिपोर्टर ने उस स्टूडेंट से पूछा कि तुम्हें टॉप करवाने में तुम्हारे पिताजी का पैर कैसे टूटा। तो ये आप बताएंगे कि ये इनका पैर कैसे टूट गया था? भैया, जहाँ हमारा एग्जाम सेंटर पड़ा था, जो हमारा सीट था वो खिड़की के पास था, खिड़की पे चीट देने के लिए चढ़े थे, चेक कराया, खिड़की पे सही कूद गए। देखो दोस्तों, अगर आपकी शादी हो गई हो तो अपनी पत्नी को आइसक्रीम खिलाना एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन पत्नियों के लिए ये एडवाइस है कि अगर आपका पति शरारती और हर वक्त बस प्रैंक्स के बारे में सोचता रहता है तो थोड़ा सा संभल जाना, वरना इनकी तरह आप अपने फोन में डूबी रहेगी और पति एक दो बार आइसक्रीम खिलाने के बाद कुछ इस तरह अपने रंग दिखा देगा। जितने भी पति लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे ये गुजारिश है कि कृपया करके ये प्रैंक अपने घर पर ट्राई मत कर देना। स्क्रीन पर अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हो, इसमें आगे स्लिप हो जाने की वजह से एक स्कूटी रास्ते के बीचों बीच गिरी हुई थी, तो उसे उठाने के लिए 3-4 लोग रुके और उनकी मदद करने पहुंच गए, जिनमें से एक थे ये जनाब, जो कि मदद करने चले गए अपनी खुद की स्कूटी में स्टैंड लगाए बिना, जिसे कहा वो उनकी मदद करने गए थे और यहाँ पीछे उनकी वाइफ को ही मदद की जरूरत पड़ गई। दोस्तों, इस वीडियो को आप गौर से देखिए और सीखिए कि जब आपके पास हाथ पोछने के लिए कोई टॉवेल या टिश्यू पेपर ना हो तो तब गीले हाथों को किस ट्रिक की मदद से सुखाया जाता है। फोन का एडिक्शन आपके माइंड को प्रेजेंट माइंडेड से एब्सेंट माइंडेड कैसे बनाता है, अब आप जरा वो देखिए। ये जो वीडियो आप देख रहे हो, इसमें ये लेडी अपने फोन में कुछ देर के लिए इतना ज्यादा खो गई या गहराई से उसमें डूब गई कि जिससे कुछ देर बाद वो अपने बच्चे को, कि जो उसी के हाथों में था, उसे पागलों की तरह यहाँ से वहाँ ढूंढने लगी। कांच के इतने बड़े टुकड़े के साथ फेमस सिंगर शकीरा का वक्का वक्का सॉन्ग गा रही ये लड़की, जब तक गाना गाती हुई नाच रही थी तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे उसने इस डिब्बे जैसी चीज में बैठकर वो ग्लास उसके ऊपर ढका, तो वक्का वक्का गा रही इस लड़की का सच में वक्का वक्का निकल गया। दोस्तों, ये जो लड़का आप देख रहे हो ना, इसने ज्यादा कुछ नहीं, वो इस टीवी में दिखने वाली सेंट की एड को बड़ा ही सीरियस ले लिया है और अभी ये कोशिश में लगा है कि एड में जो हुआ था वो उसके साथ भी हो जाए।
शादी जैसे खुशी के मौके पर जहां लोग दिल खोलकर हवा में पैसे लुटाते हैं, वहीं आप जरा इस वीडियो को देखो जिसमें बेचारे दूल्हे ने शादी का खर्चा उठाने के लिए कहीं से तोड़ मरोड़ कर यह ब्याज पर पैसों का बंदोबस्त किया है। इसीलिए जब पिताजी द्वारा नोटों को हवा में उड़ाया गया तो भाई साहब को कुछ इस तरह खुद एक्शन में आना पड़ा। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अगर ऐसे ही थोड़ी देर और हंसना हो तो स्क्रीन पर दिख रहे इन दो वीडियोस में से एक वीडियो देखना मत भूलना।